बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था वो कौन से नाउन हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो एस के साथ होती है और सिंगुलर फॉर्म भी वही होती है, लिहाजा सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। तो लिहाजा वो हम ये आज हम नाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो होते ही प्लूरल फॉर्म में, शक्ल भी प्लूरल वाली है लेकिन वो कभी सिंगुलर यूज़ नहीं होते, होते ही प्लूरल फॉर्म में सेंस में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से? द नाउन दैट ओनली एग्जिस्ट इन द प्लूरल फॉर्म, मैंने टाइटल भी इसको इसलिए यही दिया है। तो उसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स, इसलिए वो जीन्स, जीन्स जो है वो कभी जीन नहीं होगा। अगर आप कहेंगे मैंने दो जीन खरीदनी है तो टू जीन्स कहेंगे, या आप कहेंगे या पेयर ऑफ जीन्स, इस तरह आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा सिंगुलरिटी की एस के बगैर, यानी कि सिंगुलर नाउन का होता ही नहीं है। टाइट्स सिंगुलर नाउन नहीं होगा, ट्राउजर्स सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा प्लूरली यूज होगा। पैंट्स पैंटीज आर ब्लैक, सब के साथ आर यूज़ होगा, वे भी प्लूरल सेंस में, और इनका सिंगल कहीं भी यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से टंग्स, सीजर्स, प्लायर्स, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, तो लिहाजा इनको भी इस तरह यूज़ करेंगे। आगे मजीद के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स जो सिले हुए कपड़े हैं, इन क्लास के साथ जो है आपने कहीं एसोसिएट नहीं करना, वो क्लॉथ क्लास होता है, लेकिन क्लोथ्स कभी सिंगुलर फॉर्म में लेता, क्लोथ क्लोथ्स ही है, ठीक है जी। प्लूरल फॉर्म प्लूरल सेंस में हमेशा यूज़ होंगे। इसी तरीके से रिमेन्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को कहेंगे, द रिमेन्स ऑफ द पार्टी वर सेव्ड, पार्टी में जो चीज़ें बची थी उन्हें बचा लिया गया, महफूज कर लिया गया, या रिमेन्स ऑफ द पार्टी वर स्वेप्ट ऑफ, उनको साफ कर दिया गया, ठीक है। तो लिहाजा ये भी इस तरह रिमेन्स ही के साथ यूज होंगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं। स्टेयर्स, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वो सीढ़ी का एक सीढ़ी चढ़ गया, ऐसे ही कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो हम ये नहीं कह सकते कि वन स्टेयर जो है वो ही वेंट अप वन स्टेयर, नहीं, वन स्टैम्प ऑफ द स्टेयर। आप अगर उस तरह का कहना है तो आप स्टैम्प का सहारा यहाँ पर लेंगे, लेकिन स्टेयर्स हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हो, सिंगुलर सेंस में ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से आर्म्स, ठीक है, आर्म ये है, और आर्म्स जब यूज होगा, जब ये प्लूरल सेंस में यूज होगा तो लिहाजा इससे मुराद वेपन होगा। जैसे आपने बबराज शाह का अगर प्ले पढ़ा हो, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, तो लिहाजा आर्म्स से मुराद यहाँ पे वेपन है। तो ये हमेशा ये नहीं कि आर्म और आर्म्स, यानी एक असला और दो असले, नहीं है सर, आर्म्स हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा, इसका सिंगुलर कोई नहीं होगा। इसी तरीके से आउटस्कर्ट्स, अगर हम कहें कि वी विजिटेड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जिसको हम मुजाफाती इलाके कहते हैं, ठीक है। तो हमने शहर के मुजाफाती इलाकों का दौरा किया, वी विजिटेड आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, कि शहर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिन्हें मुजाफाती इलाके कहते हैं, मुजाफाती बस्तियाँ कहते हैं, हमने उनका दौरा किया। तो आउटस्कर्ट्स भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। तो ज़्यादा आज हमने नाउन की वो कैटेगरीज पिक की हैं कि जो कि आमतौर पर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ सिंगुलर वर्ब बनना चाहिए, ये सारे जहाँ भी आएंगे वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, यहाँ भी प्लूरल आएगा, टंग सीजर्स और प्लायर्स, इस तरह क्लोज प्लूरल वर्ब रहेगा, स्टेयर्स प्लूरल वर्ब रहेगी, आर्म्स प्लूरल वर्ब रहेगा, आउटस्कर्ट्स प्लूरल वर्ब रहेगा। तो लिहाजा ये सारे होते ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और प्लूरल सेंस में ही यूज़ होते हैं, ये सिंगुलर सेंस में कभी भी यूज़ नहीं होते। तो जब हम अपने तौर पर चीज़ों को यूज कर रहे होते, जब एक बात हो जाए करेक्शन ऑफ एरर में दे, तो शायद आप थोड़े से चौंक जाएँ और आप थोड़े से पहले कॉन्शियस हों, तो आप वहाँ पर जाके इसको करेक्ट कर लेंगे कि ठीक है ये दिया हुआ है, तो करेक्ट कर लेंगे, ये दिया हुआ है इसका मतलब इसलिए देख लेते हैं रॉन्ग फॉर्म या इनकरेक्ट फॉर्म कौन सी है। लेकिन जब हम खुद इन चीज़ों को लिख रहे होते हैं तो वहाँ मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं, उन्हें हम बाद वक्त जो है सिंगुलर सेंस में मीन में गलती से यूज़ करते हैं, तो वो गलत होगा, ये हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप ज़रा अपने मेमोरी कार्ड जो हैं उनके ऊपर लिख के अपने स्टडी टेबल पर रख लेना, जब कभी आप वहाँ बैठें तो फ़ौर वक्त में इनको सीधा करके देख लेना, ताकि आपकी नज़र से बार बार ये गुजरते जाए और इस तरीके से आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, आप उस तरह रट्टा लगा के याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और आप जैसे आप जब आप कोई चीज़ का पोज करेंगे, लेटर लिख रहे हैं, राइटिंग आप ऐसे लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें ये गलतियाँ जो है आपसे नहीं होगी। ओके, आप इस बात का ख्याल करेंगे, थैंक यू।